A very good morning students, welcome to SST online class. Students, in today's video we are start our first chapter, which is globe and maps. Okay, so first of all you take out your SST book globe trotter and open page number 5. Okay, unit first, all about globe and landform. ठीक है, जो हमारे यूनिट का नाम है कि ऑल अबाउट ग्लोब. ग्लोब क्या है? तो एक अर्थ का छोटा सा, छोटा बड़ा, वो एक मॉडल है. एंड लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म कहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म है इसके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट. अवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ. क्या कहा गया है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, उसमें से केवल अपना अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. व्हाई? बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर. लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है अर्थ पे, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती है. अगर वाटर ही नहीं मिलता, एयर ही नहीं मिलती एंड सुटेबल टेम्परेचर ही नहीं होता ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता. इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. अब हमारी अर्थ का जो सरफेस है, हमारी अर्थ किससे बनी है? तो वो बनी है लैंड मासेस, जमीन एंड वाटर बॉडीज. एंड वाटर से हमारी अर्थ बनी है. बनी है मतलब हमारे अर्थ पर क्या क्या पाया जाता है. क्या है हमारे अर्थ पे? जमीन के टुकड़े है, वाटर बॉडीज है. देयर आर 7 यूज लैंड मासेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. और इस प्रकार जो जमीन के टुकड़े हैं हमारे अर्थ पर अलग 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 अलग, तो ये कितने हैं? 7 है. देयर आर 7 यूज लैंड मासेस. ओके, और उसी को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट. क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट, जो खंड है हमारे. ठीक है, उनको कहते हैं. दीज 7 कॉन्टिनेंट फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनके नाम दिए हैं, और किस क्रम से दिए हैं? तो बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से लेकर स्मॉलेस्ट तक. वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना मैथ्स में, वैसे ही. तो बिगेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बिग वाला, सबसे बिग कॉन्टिनेंट कौन सा है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, और फिर आखिर में सबसे छोटा. तो इस प्रकार ये जो कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, दीज आर द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. ओके, तो फर्स्ट वन इज एशिया. मतलब एशिया कैसा कॉन्टिनेंट है? सबसे बिगेस्ट है. देन है अफ्रीका, देन है नॉर्थ अमेरिका, देन है साउथ अमेरिका, देन है अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ये सबसे लास्ट में आया है. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे हो गया? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो गया. एंड सबसे बिगेस्ट कौन सा हो गया? एशिया. ओके, अब आपके पेज नंबर 5 पे आपको एक मैप दिख रहा है. यस, दिस वन. ओके, ये है वर्ल्ड, मतलब हमारा अर्थ. ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है जहां पे हम रहते हैं वो किससे बनी है? वाटर बॉडीज एंड लैंड मासेस, कहा था मैंने अभी. तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, हाँ, ये पूरा ब्लू कलर मतलब क्या है? ये पूरा हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर है, पानी ही पानी है. और ये जो आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, जैसे येलो है, डार्क येलो है, पिंक है, ग्रीन है ना, ब्राउन कलर है, तो ये क्या है? ये पानी के बीच में जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, कॉन्टिनेंट्स, जो हम ये अपने नाम पढ़े हैं ना,
तो ये है सेवन कॉन्टिनेंट्स, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये लास्ट में दिख रहा है आपको अंटार्कटिका, यस एकदम साउथ पोल के पास है। ठीक है, तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, और जो पूरा ब्लू आपको दिख रहा है ये है वाटर, मतलब अर्थ पे ज्यादा क्या है, वाटर है, और जमीन बहुत कम है। ठीक है, 71% वाटर है एंड 29% जमीन है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ओके, अब देयर आर 5 मेजर वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन, जो मैंने अभी आपको पूरा ब्लू कलर दिखाया था। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में क्या है, वाटर ही वाटर है। तो इतने मेजर वाटर बॉडीज जो है उनको क्या कहा गया है, ओशियन, महासागर, क्या कहा गया है, ओशियन। दीज आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। और ये जो ओशियंस है इनके भी यहाँ पे नाम दिए हैं, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। ठीक है, अब देखो टोटल जो लास्ट पेज में हमने पढ़े थे वो थे कॉन्टिनेंट्स, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड अभी जो हमने पढ़े वो है ओशियन। हाउ मेनी ओशियंस, देयर आर 5 ओशियंस। ओके, अब नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ कैसी है, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारी अर्थ कैसी है। तो लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल बिलीव दैट, पीपल सोचते थे, क्या सोचते थे, दैट द शेप ऑफ द अर्थ वॉज फ्लैट, क्या सोचते थे कि हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट है, ऐसे सोचते थे। बट मैगेलन्स वेजे अराउंड द अर्थ प्रूव दैट इट इज राउंड, लेकिन जब मैगेलन, ये एक खलाशी प्रवासी था, वो पूरे दुनिया का उसने जब चक्कर काटा और वापस वो वही पॉइंट पे आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, तब उसने ये प्रूव किया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है। तो अर्थ कैसी है, शेप में राउंड है। लेटर पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस अल्सो कन्फर्म दैट द अर्थ इज राउंड, अब मैगेलन तो प्रूव कर ही दिया था। साथ में जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए और वहां से उन्होंने जब अर्थ के फोटो लिए, तो फोटो में भी अर्थ कैसी दिखाई दी, तो फोटो में भी हमारी अर्थ राउंड शेप की ही दिखाई दी। नाउ ग्लोब, अवर नेक्स्ट पॉइंट ग्लोब। अब ग्लोब क्या है, अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, इट्स शेप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ, जिस प्रकार से हमारी अर्थ है सेम टू सेम वैसा ही जो मॉडल होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। इट डिस्प्ले कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशियन, रिवर एक्सेट्रा। और ये ग्लोब हमें क्या क्या दिखाता है, तो रिवर दिखाता है, ओशियन दिखाता है, कॉन्टिनेंट दिखाता है, डिफरेंट कंट्रीज दिखाता है एक्सेट्रा। इन द सेम पोजिशन एज दे आर लोकेटेड ऑन द अर्थ, और उसी पोजिशन में दिखाता है जैसे कि अर्थ में है, एक्चुअल अर्थ में, जहां पे समुन्दर है वहां पे समुन्दर दिखाते हैं, जहां पे कॉन्टिनेंट्स है वहां पे कॉन्टिनेंट दिखाते हैं। तो एक्चुअली ट्रू मॉडल होता है ये ग्लोब अपनी अर्थ का। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम, बट हम अगर हमें ग्लोब देखना है तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देख पाएंगे, इसके पीछे वाला पोर्शन देख पाएंगे क्या, नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि वी कैन सी ओनली हाफ, हम सिर्फ आधा ही देख सकते हैं एट अ टाइम में। हाउ एवर वी कैन इजिली रोटेट इट टू सी द अदर हाफ, और जब हमें दूसरा पार्ट देखना है इसके पीछे वाला, तो हमें इस ग्लोब को ऐसे रोटेट करना होता है। ओके, दो अ ग्लोब इज क्वाइट यूजफुल टू अस एंड इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, ये होने के बाद भी हम ग्लोब से अर्थ की स्टडी कर सकते हैं, ग्लोब हमारे लिए फायदेमंद है। येट इट हैज सर्टन लिमिटेशन, लेकिन उसको कुछ बंधने भी है कि वो पूरा स्टडी के लिए हेल्प नहीं हो सकता। लाइक अ ग्लोब डजंट शो
द डिटेल ऑफ द अर्थ सरफेस, ग्लोब क्या करता है वो पूरा डिटेल हमें शो नहीं करता है, इतना बारीकी बारीकी। लेकिन एक अगर पर्टिकुलर हमें कंट्रीज का देखना है, जैसे इंडिया का, इंडिया के अंदर एक जो स्टेट है महाराष्ट्र का, तो पर्टिकुलर वहाँ का हमें स्टडी के लिए पूरा क्लियर डिटेल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, हमें ऐसे ही स्टडी करना होता है। एंड दूसरी लिमिटेशन क्या है, इट कैनॉट बी कैरीड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। और दूसरा लिमिटेशन है कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते, ये उसका एक और एक लिमिटेशन है। तो इस प्रकार ये जो ग्लोब होता है, एक्चुअल हमारी अर्थ कैसी है, हम तो पूरा अर्थ पे नहीं देख सकते, लेकिन हम अगर ग्लोब को देखें तो हमें आइडिया आ जाता है कि यस हमारी अर्थ कैसी है, तो हमारी अर्थ ऐसी सेम टू सेम है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैप। अब मैप क्या होता है, ठीक है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जितना भी सरफेस है, फिर वो वाटर बॉडीज हो, लैंड मासेस हो, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। या पूरी अर्थ तो एक साथ दिखाता ही है मैप, साथ में अगर कोई पर्टिकुलर हमें पार्ट दिखाना है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ग्लोब में बताया था कि हमें सिर्फ इंडिया के बारे में स्टडी करने हैं, तो मैप हम केवल इंडिया का मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें केवल महाराष्ट्र के बारे में जानना है तो हम केवल महाराष्ट्र का भी मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ग्लोब पे ये कर सकते हैं क्या, नहीं, ग्लोब पे तो पूरा ही देखना होता है। तो यस, मैप क्या होता है, होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। हम फ्लैट सरफेस पे वो निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए, जिसका हमें मैप चाहिए उसका। द वर्ल्ड मैप हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड मप्पा विच मीन्स नैपकिन इन लैटिन। ये जो मैप वर्ड आया ये किससे आ गया, लैटिन वर्ड है मप्पा, उससे, और उसका मीनिंग होता है नैपकिन। इन ओल्डन डेज मोस्ट ऑफ द मैप्स वेयर ड्रॉन ऑन एन एनिमल स्किन और क्लॉथ। पुराने जमाने में पहले लोग एनिमल के स्किन पर या कपड़े पर मैप बनाते थे, लेकिन जब कागज का इन्वेंशन हुआ तो कागज पे मैप बनाने लगे। ओके, अ मैप इज नॉट अ फोटोग्राफ, इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस शोइंग वेरियस फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। अब मैप क्या है, मैप कोई फोटोग्राफ नहीं है, तो मैप है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स का जो डिजाइन होता है, जो ड्राइंग होता है वो होता है। ठीक है, फिर वो फिजिकल हो, फिर वो पॉलिटिकल हो, कोई भी फीचर्स हो, उसकी जो हम ड्राइंग निकालते हैं उसे कहते हैं मैप। ठीक है, द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और जो मैप निकालने का जो साइंस होता है, जो स्टडी होती है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। एंड द पर्सन हु ड्रॉ अ मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। और जो पर्सन होता है जो अलग अलग मैप ड्रॉ करता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। अब एटलस क्या होता है, तो एटलस क्या होता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मैप्स होते हैं। तो ये जो मैप होते हैं और ये पूरी मैप की जो बुक होती है, उसे कहते हैं एटलस। फ्लेमिश कार्टोग्राफर गेरार्डस मर्केटर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन 1595। इट्स कवर हैड अ पिक्चर ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल हीरो एटलस। ये जो है ये ग्रीक मैथोलॉजिकल हीरो है जिसका नाम था एटलस। और देखो उसने क्या उठा के रखा है, तो उसने पूरी अर्थ अपने कंधे पर उठा के रखी है, होल्डिंग द अर्थ। सिंस देन अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और इन्हीं के नाम से जो डिफरेंट मैप के बुक्स होते हैं, कलेक्शन जिसमें होता है मैप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप का कलेक्शन की जो बुक होती है, उसको नाम क्या दिया गया है, एटलस। ओके, अ मैप हु हैज सर्टन लिमिटेशन, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व।
अब मैप में भी जैसे जिस प्रकार ग्लोब में कुछ लिमिटेशन आते थे, सेम उसी प्रकार मैप में भी कुछ लिमिटेशन आते हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, राउंड शेप में है ना, एंड इट्स सरफेस इज कर्व, और उसका जो सरफेस है वो कर्व शेप में है। अ कर्व सरफेस कैनॉट बी एग्जैक्टली ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। और मैप कैसे होता है, फ्लैट सरफेस पे निकालते हैं। तो मैप में जो कर्व सरफेस होता है वो हम एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं तो भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, सच एज पेपर। सो देयर आर सम एरर इन द शेप एंड साइज ऑफ लैंड मासेस इन मैप। और इस प्रकार से जो हमारे साइज है, शेप्स है मैप के, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप्स के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, ईच काइंड गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं और हर मैप अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप, दीज मैप्स डिफाइन और शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड अदर पॉलिटिकल डिवीजन। अब ये जो पॉलिटिकल मैप होता है, ये जो आपके सामने है अभी दिख रहा है आपको, हाँ, ये क्या कर रहा है, तो टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स है, कौन से स्टेट की बाउंड्री कहाँ से है, कौन से कंट्री से कनेक्ट है, सिटीज कौन कौन से है, ये सभी पॉलिटिकल डिवीजन जो हमने अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए अलग अलग डिवीजन किए हैं, ये हम इस पॉलिटिकल मैप में दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो, डू यू नो इन द बिगिनिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर ज्वाइंट टूगेदर एंड ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट वॉज देयर ऑन द अर्थ विच वॉज कॉल्ड पैनगिया। तो सबसे पहले जो आज हम अर्थ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं सेवन, तो बहुत सालों पहले ये सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट्स ना, तो उसी को वो कौन से नाम से जाना जाता है, विच वॉज कॉल्ड पैंगिया। ठीक है, अब देखो क्विक रिविजन में, राइट ट्रू फॉल्स, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी हमने लेसन पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है क्या, नहीं, वो स्मॉल है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। मैगेलियन वॉयेजर प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, यस, मैगेलियन ने प्रूव किया था कि अर्थ कैसी है शेप में, राउंड है। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम, यस, हम सिर्फ हाफ पोर्शन देख सकते हैं ग्लोब का एट अ टाइम। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रॉ अ मैप इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, नहीं, जो पर्सन मैप ड्रॉ करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कहते हैं, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ये तभी के तभी आप सॉल्व करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब पॉलिटिकल मैप देखा हमने, अब बारी है फिजिकल मैप की। दीज मैप शो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अब फिजिकल, भौगोलिक रचनाएं कैसी है, कौन से प्रदेश की, कौन से स्टेट की, कौन से सिटी की, ये भी फिजिकल मैप हमें शो करता है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे वैलीज है, कहाँ पे प्लेन्स है, ये सब फिजिकल मैप हमें शो करता है। बिसाइड दिस देर आर मैप दैट शो क्रॉप ग्रोन, कहाँ पे कौन सी फसलें उगती है, मिनरल फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, कौन सी जगह पे कौन कौन से मिनरल फाउंड होते हैं, रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन सब को दिखाने के लिए भी अलग अलग मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इस लेसन का ग्लोब एंड मैप्स का, तो टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स है, फाइव ओशियंस है, ग्लोब क्या होता है, तो वो अर्थ का एक एक्चुअल मॉडल होता है, देन मैप कैसे कैसे हम कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैप्स के, ये देखा हमने। अब जो नेक्स्ट पीरियड में है, हम मैप को रीड कैसे करा जाए, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैप्स वो क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।